आम तो बच्चों, आज आपका दिन है। आज आपको सुनाते हैं, कोई अच्छी सी कहानी सुनाते हैं। कहानी का नाम है आज़ादी की छांव। कहानी को यूं है कि करीब करीब होके बैठ जाओ ताकि सुनाई दे ना। इधर उधर देखोगे तो फिर सुनाई नहीं देगा आपको। तवज्जा चाहिए होती है ना हर चीज़ के लिए। जब तक तवज्जा नहीं दोगे समझ नहीं आएगी। 20 साल बाद बिलाल आज नहर वाली सड़क के करीब मौजूद था। वहाँ बहुत कुछ बदल गया था। ट्रैफिक ज़्यादा होने के बाद सड़क चौड़ी कर दी गई थी। सड़क की तौसी की वजह से बहुत से दरख्त भी काट दिए गए थे। इसे एक दरख्त की तलाश थी। सोचते हुए बिलाल कहता है, अपने आप से बातें करता है, 20 साल पहले बहुत वक्त बीत गया, शायद अब वो दरख्त यहाँ नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए नहर के करीब पहुँच गया। इसे याद आया कि नहर के किनारे एक बाग में इसने अपने दोस्तों, जिनके नाम थे महमूद, सकी, यासिर और साद के साथ मिलकर ज़मीन पर एक नन्ना सा पौधा लगाया था। बिलाल पल भर में, यानी कि थोड़ी सी देर में, 20 साल पीछे चला गया। सोचते सोचते 20 साल पीछे चला गया। महमूद उछल उछल कर आम के दरख्त की शाखों को पकड़ रहा था। ये उस वक्त का बात है जब 20 साल पीछे चले गए, छोटा होता था ये। सखी भी पेड़ से आम तोड़ने के लिए बेताब था। यासिर और साद डरे हुए थे पकड़े ना जाएं, खौफ था उनको पकड़े जाने का। बिलाल एक दरख्त को देख रहा था। दरख्तों की ठंडी छाँव में सुकून ही सुकून था। परिंदे अपनी अपनी बोलियां बोल रहे थे। बिलाल ने अपने दोस्तों को एक घने दरख्त के नीचे बुलाकर कहा, वाह क्या ठंडी हवा है, मैं चाहता हूँ हम सब मिलकर यहाँ एक पौधा लगाएं, इसकी हिफाजत करें। जब पौधा दरख्त की सूरत इख्तियार करे तो इसकी छाँव में बैठ कर ठंडी ठंडी हवा से लुत्फ़अंदोज़ हों। क्या तुम मेरा साथ दोगे? यासिर ने ज़ोर से बोला, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इन सब की बातें करीब खड़ा एक माली भी सुन रहा था, जिसका नाम शौकत था। माली बोलता है, तुम्हारा जज्बा काबिले कदर है, पौधा लगाओ, तुम भी इसकी हिफाजत करना और मैं भी दूसरे पौधों की तरह इसकी देखभाल करूँगा। माली शौकत ने इनको शाबाश भी दी। वो 14 अगस्त का दिन था। पाकिस्तान का सब्ज हलाली परचम हर जगह दिखाई दे रहा था। पांचों दोस्त अपने नन्हे से पौधे के साथ नहर किनारे वाका बाग में मौजूद थे। माली शौकत ने पौधा लगाने में इनकी मदद की। सब दोस्त पौधा ज़मीन में लगाकर बहुत खुश थे। माली शौकत के मशवरे पर इन्होंने पौधे के गिर्द लकड़ियों की बाड़ भी लगा दी थी कि कोई जानवर पौधे को नुकसान न पहुंचा सके। इनके घर बाग से ज़्यादा फासले पर ना थे, इसलिए वो दिन में कई मर्तबा वहाँ आकर अपने नन्हे से पौधे की देखभाल कर लेते थे। इस दिन सभी दोस्त बहुत खुश थे। जब पौधे की नन्नी नन्नी शाखों पर नए पत्ते नमूदार हुए थे, सरसब्ज और नरम और मुलायम पत्ते इस बात को जाहिर कर रहे थे कि पौधे ने जड़ पकड़ ली है। वक्त तेजी से गुजरता रहा। महमूद एक फर्म में मुलाजिम होकर बहरीन चला गया। सखी को इस्लामाबाद में मुलाजमत मिल गई। यासिन ने गुलशन हाउसिंग सोसाइटी में अपना जनरल स्टोर बना लिया। साद के वालिद की कपड़े की दुकान थी, वो वहाँ जाकर बैठा था। बिलाल को मेडिकल में दाखिला मिल गया था, वो पढ़ाई में मसरूफ़ हो गया था। सब अपनी अपनी दुनिया में गुम हो गए थे। वो नन्ना सा पौधा जो अब तनावर दरख्त बन चुका था, किसी को याद नहीं था। दरख्त पर इनके नामों वाली तख्ती तक आवेजा थी। बिलाल जब भी बहावल नगर से लाहौर आता, दरख्त को देखने और इससे मुलाकात के लिए बाग में ज़रूर जाता था। वो MBBS करने के बाद लंदन जा बैठा। वक्त तो पर लगा के उड़ता रहा। चंद साल पहले बिलाल ने अपने दोस्तों को फेसबुक पर तलाश किया। फिर इन्होंने आपस में रابطے के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। जब इन्होंने अपनी तस्वीर शेयर की तो सबकी शक्लो सूरत बदल गई थी। बिलाल के सर के बाल उड़ गए थे। सखी ने दाढ़ी रख ली थी। बिलाल ने जब मुश्तरका लगाए हुए दरख्त के बारे में सवाल किया तो कोई इसे तसल्ली बख्श जवाब ना दे पाया।
अगरचे बिलाल वतन से बहुत दूर था मगर इसकी आंखों के सामने तनावर दरख्त था, ठंडी ठंडी छांव वाला दरख्त। इसके दोनों बेटे लंदन के एक तालीमी इदारे में जेरे तालीम थे। इसकी बेगम भी डॉक्टर थी। ज़िंदगी की हर आसाइश इसे मयसर थी। अब वो 20 साल बाद वतन लौटा था। महमूद के अलावा सभी दोस्त मौजूद थे। बिलाल बाग में मौजूद था। इसे अपने हाथों लगाए पौधे की तलाश थी। आखिर वो मिल गया, लेकिन तरक्याती मंसूबे की वजह से एक दिन पहले ही इसे काटा गया था। बिलाल अब कटे हुए दरख्त के तने के करीब बैठा था। माजरत। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने तने की तस्वीर अपने दोस्तों को व्हाट्सएप की तो वो भी बेचैन हो गए। इस वक्त यासिर और साद बिलाल के पास मौजूद थे। तीनों सर झुकाए दरख्त के तने के करीब बैठे थे। एक बुजुर्ग अपनी लाठी टेकते हुए इनके करीब आकर खड़े हो गए। बुजुर्ग ने तीनों को गौर से देखा। बुजुर्ग के पूछने पर जब बिलाल ने सबकी उदासी की वजह बताई तो वो इनके पास घास पर बैठ गए। एक नन्ना सा पौधा मैंने भी बरसों पहले अपने बुजुर्गों के साथ लगाया था। इस पौधे को पानी के बजाय शहीदों के लहू से सैराब किया गया था। इस पौधे को पहले दिन ही उखाड़ने, ख़त्म करने और काटने की कोशिशें की गईं। अल्लाह के फजल से वो पौधा आज भी सरसब्ज़ और शादाब है और इंशाल्लाह आइंदा भी वो सरसब्ज ही रहेगा। बुजुर्ग इतना कहकर खामोश हो गए। तीनों जान गए थे कि बुजुर्ग किस पौधे की बात कर रहे हैं। वो आज़ादी का दरख्त था। इन्होंने कभी इस पौधे के बारे में सोचा तक ना था। सब इसे भूलकर अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए थे। बुजुर्ग ने घास से उठते हुए कहा, आज़ादी के दरख्त को मजबूत हाथों की ज़रूरत है वरना। वो ये कहते कहते खामोश हो गए। आगे मजीद कुछ मत कहिए, हम सब मिलकर आज़ादी के दरख्त की हिफाजत करेंगे। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आज़ादी के दरख्त की जड़ें कमज़ोर हों। बिलाल ने बुजुर्ग की बात भी पूरी ना होने दी। बिलाल और इसके दोस्त नहीं चाहते थे कि इनके हाथों से लगे पौधे का जो हाल हुआ है वैसे आज़ादी के दरख्त का हाल हो। आज़ादी के इसी घने दरख्त के नीचे हम ठंडी छाँव में सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हाँ तो बच्चों, हर कहानी के अंदर एक सबक होता है और वो सबक क्या होता है? वो सबक हमारी ज़िंदगी के फुटस्टेप्स होते हैं, हमारी ज़िंदगी के असूल बनाते हैं। जैसे आप अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहते हो, ऐसे मुल्क को भी साफ सुथरा रखो। जैसे अपने खिलौनों की हिफाज़त करते हो, ऐसे ही अपने मुल्क की हिफाज़त करनी है। जैसे कहीं जाने के लिए प्लानिंग करते हो, ऐसे ही इस मुल्क की तरक्की के लिए भी प्लानिंग करनी है। आप लोग पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो। बूढ़े जो हैं उन्होंने अपना काम कर दिया, अब आप लोगों ने दिल लगा के पढ़ना है, दिन रात मेहनत करनी है। अगर ये काम नहीं करोगे तो इसका मतलब है तुम इस पौधे की हिफाजत नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप दिलो जान से पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, अल्लाह के अहकामात मानोगे, तो ही मैं ये समझूंगा कि आपको इस मुल्क से मोहब्बत है। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ आएंगे, नई कहानी के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम।